हेलो फ्रेंड्स, तो लेक्चर थ्री में स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। तो लेक्चर थ्री में मैंने लास्ट जो आपका लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपका सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर उसके बाद आपका हाफ एंगल फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, होपफुली आपने बना भी लिया होगा। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू है, अभी एमएन थ्योरम बताऊंगा आप लोगों को और उसके बाद डिस्कस करेंगे सर्कम रेडियस इन रेडियस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एमएन थ्योरम, यहां एमएन थ्योरम मैंने बोर्ड पे लिखा है। एमएन थ्योरम देखो, सबसे पहले रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पे आएंगे। रिजल्ट है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, ये सपोज दिस एंगल इज बी, दिस सी, दिस ए, ये ए से एक लाइन ड्रॉ किया, दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस, मतलब एंगल ए डी सी इक्वल टू थीटा गिवेन है। इस एंगल को अल्फा लिया, इस एंगल को बीटा लिया, तो रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट ये है। और बी डी बाय डी सी इक्वल टू एम बाय एन गिवेन है। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट गिवेन है एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। ठीक है, और यही अगर दूसरा लिखे एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम कॉट बी माइनस एम कॉट सी। ये बी और सी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, अल्फा बीटा ये वाला एंगल है, समझे। ये दो रिजल्ट है, इस दोनों रिजल्ट्स को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट ड्राइव करते हैं, सेकंड रिजल्ट आप सिमिलरली उसी हेल्प से कर सकते हो। तो पहला रिजल्ट मैं प्रूव करता हूं। ठीक है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बोल रहा हूँ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में ये रिजल्ट में आता है, कभी कभी डायरेक्ट यूज होता है, आपको याद रखना हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। तो इस क्वेश्चन के प्रूफ की अगर सपोज मैं बात करूं, तो प्रूफ में आओ, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में उठाते हैं, इस वाले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में साइन फॉर्मूला तो तुमने सुना ही होगा, तो एडी और बीडी को मिला के साइन फॉर्मूला लिखते हैं, लिख सकते हो बीडी बाय साइन अल्फा, बीडी बाय साइन अल्फा इक्वल टू एडी बाय साइन बी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, देखो लिख लिखूंगा मैं, तो यहां से लिख सकता हूं कि दिस इज, और इस एंगल को मैं कन्वर्ट करना चाहूं इस एंगल को इन टर्म्स ऑफ थीटा एंगल, क्योंकि पहला रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तीसरे एंगल को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड अल्फा, तो थीटा माइनस अल्फा, बिकॉज दिस एंगल इक्वल टू थीटा, दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। तो यहां से लिखना चाहूं तो ट्राइंगल मैं यूज कर रहा हूं ट्राइंगल ए बी डी, तो लिख सकता हूं बी डी, बी डी बाय साइन अल्फा इक्वल टू ए डी बाय साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, पहला रिजल्ट, दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, सिमिलरली मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, कौन सा ट्राइंगल, सिमिलरली मैं ट्राइंगल इसकी बात करता हूं एडीसी, सिमिलरली ट्राइंगल एडीसी की मैं बात करता हूं, ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, ट्राइंगल एडीसी की बात करूं तो इसमें वही बात है, डीसी बाय साइन बीटा, दैट इंप्लाइज में आ जाएगा डीसी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, डीसी डिवाइड बाय साइन बीटा, डीसी डिवाइड बाय साइन बीटा, दिस डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल टू एडी डिवाइड बाय, फिर से आप देखो ये एंगल क्या आ जाएगा, इस एंगल को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो दिस एंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस एंगल इक्वल टू, दिस इज थीटा, दिस इज बीटा, तो व्हाट इज दिस एंगल, अगर इसको बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस एंगल इक्वल टू पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू डीसी बाय साइन बीटा इक्वल टू लिख सकता हूं एडी डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा, तो दिस इज एडी बाय साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, क्या है एडी डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। ये रिजल्ट नंबर अगर टू हो गया, तो फर्स्ट रिजल्ट भी आप देख रहे हो, सेकंड रिजल्ट भी आप देख रहे हो, पहला दूसरा रिजल्ट। अब इसको देखो क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि बी डी बाई डी सी हमारे गिवन है, तो वन डिवाइडेड बाय मैं टू करता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहला रिजल्ट बी डी बाय डी सी, ठीक है, इंटू साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा, ठीक है, एडी एडी कैंसिल हो गया, तो बी डी बाय डी सी, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, अब ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो इसको आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो, इसको लिख सकते हो एम बाय एन साइन, एम साइन बीटा डिवाइड बाय एन साइन अल्फा,
और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो दैट इज इक्वल क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब ज्यादा कुछ है नहीं, अब इसको बस एक लाइन और आगे कंटिन्यू करो, मैं एक स्टेप और लिखता हूं, आगे कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। एम बाय एन साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू, इसे साइन ए प्लस बी में ब्रेक कर दो तो साइन थीटा कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा साइन बीटा, साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा, सॉरी यहां माइनस यहां प्लस देंगे और यहां क्या देंगे, माइनस देंगे कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, कॉमन कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सिंप्लीफाई तो रिजल्ट आपका इस फॉर्म, मतलब कहने का मतलब यहां ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करोगे तो रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। तो हमारा कहना यहां ये है कि द फर्स्ट रिजल्ट इज एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा, आप इस तरह से सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेट कर सको। तो ये तो हो गया पहला रिजल्ट, एम एन थ्योरम का फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली सेकंड रिजल्ट भी आप ड्राइव कर सकते हो, तो इसके बाद आप इसको ड्राइव कर लेना। ठीक है, तो होपफुली आप कर लोगे। तो चलिए, ये आ गया फर्स्ट एम एन थ्योरम, नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इसके आप स्टार्ट करूंगा सर्कम रेडियस, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट सर्कम रेडियस, ठीक है, लिखिएगा सर्कम रेडियस। सेकेंड वाला फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर लेना, ये अभी मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट मैंने ड्राइव कर दिया, इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है डिवाइड करके अल्टीमेटली एडजस्ट करेंगे तो डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन, अब आगे का कैलकुलेशन तुम्हारे वर्ड से मैंने छोड़ दिया, सेकंड वाला पूरी तरह से तुम्हारे वर्ड से छोड़ दिया, कैलकुलेट कर लीजिएगा और रिजल्ट को आपको याद रखना होगा, एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। सिमिलरली एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट बी माइनस एन कॉट सी, ठीक है ना, सॉरी एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी। ये रिजल्ट आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हो आपको याद रखना है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट वन एम एन थ्योरम। नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग डालिएगा सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस के बारे में अगर सपोज हम बात करें तो नेक्स्ट है सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस की अगर सपोज बात करें तो सर्कम रेडियस क्या है, तो सर्कम रेडियस की बात करें तो व्हाट इज सर्कम रेडियस, तो सर्कम रेडियस को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो सर्कम रेडियस इज द रेडियस ऑफ इट सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल क्या होगा, तो द सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मान लो कि सर्कम रेडियस की मैं बात करूं, सर्कम रेडियस की बात करूं तो मतलब सपोज एक ये है एक सर्कल और ये एक ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का जो ये सर्कल होगा दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल और इसके रेडियस को हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। ट्रायंगल सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, किसका सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल और इस सर्कल का रेडियस होगा दैट इज सर्कम रेडियस। तो इसके रेडियस की बात करनी है तो मतलब दिस ओ इज द, ये ओ जो होगा दिस इज द सर्कम सेंटर। आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ओ सर्कम सेंटर है। मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो हमारा कहना है कि आपको निकालना है ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो यहां पर याद रखो कि द लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल टू द लेंथ ऑफ ओ बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ओ सी, इसको हमने R से दे दिया दैट इज अ सर्कम रेडियस, इसको हमने R से रिप्लेस कर दिया दैट इज अ सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस के बारे में हमने क्या कहा कि सर्कम रेडियस इज द रेडियस ऑफ साइड सर्कम सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल। तो जस्ट इसी R को कैलकुलेट करना है, गिवन क्या क्या होगा, तो गिवन यही होगा कि ट्रायंगल एबीसी गिवन होगा, ट्रायंगल एबीसी गिवन होगा तो मीन्स एंगल गिवन एंड इट्स साइड्स गिवन। तो मतलब हमें इस R को इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो क्या, तो नाउ अब देखो फॉर्मूला, तो आपको पहले फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। देखो आर को हमने एक फॉर्मूला लिखा था साइन फॉर्मूला से, साइन फॉर्मूला से हमने लिखा था कि ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू क्या था, ट्वाइस आर। तो आर को हमने क्या लिखा, दैट इज आर इज अ सर्कम रेडियस। मतलब तो अब उसको प्रूव करना है, तो देखो क्या करें, देखो ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बहुत आसानी से बस ये हमने कहा था कि ये मैं बाद में प्रूफ करूंगा जब सर्कम रेडियस डिस्कस करूंगा। तो देखो इस आर के बारे में बताता हूं, देखो क्या करूं,
ये दिस एंगल इज ए तो दिस एंगल इक्वल टू ट्वाइस ए. अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया व्हाट इज दिस एंगल तो दिस एंगल इक्वल टू ए. कोई प्रॉब्लम? दिस एंगल इक्वल टू ए. अब देखो ये लेंथ हो गया दिस ओबी इक्वल टू आर. ओबी इक्वल टू आर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि ये आर की वैल्यू निकालनी है. तो देखो क्या आ गया तो ओबी इक्वल टू आर. तो अब देखो ये क्या आ गया दिस इज 90 दिस इज ए तो दिस वन इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस ए. दिस वन इक्वल टू 90 माइनस ए. कोई प्रॉब्लम? दिस वन इक्वल टू 90 माइनस ए. ठीक है अगर अब हम बात करें तो देखो क्या करेंगे तो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ए 90 माइनस ए तो इसमें सबसे पहले साइन रूल लगाते हैं या सिंपली ऐसे ही लिखते हैं ना कि आपका जो ये जो फॉर्म है अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन ए इक्वल टू क्या आ गया दिस. अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी सी बाय साइन सी इक्वल टू आर. तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं तो ये रूल्स व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ बी सी. इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं तो नाउ मैं ट्राइंगल यूज करता हूं ट्राइंगल ओ डी बी. इसमें देख लो बी डी इक्वल टू लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी दैट इज इक्वल टू ए बाय टू. बी डी इक्वल टू ए बाय टू. बी सी इक्वल टू कितना आ गया बी सी इक्वल टू स्मॉल है दैट इज इक्वल टू ए बाय टू. अब देखो मैं इस ट्राइंगल यूज करता हूं तो ट्राइंगल मैंने यूज किया. अब देखो उसमें मैं लगाता हूं साइन ए साइन ए साइन ए तो साइन ए इक्वल टू लिख सकता हूं बी डी बाय आर. साइन ए इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय आर. तो गौर से देखो R इक्वल टू कितना आ गया BD को मैं कितना लिख सकता हूं A बाय टू तो A बाय टू. ठीक है साइन ए. ठीक है मतलब क्या आ गया कि R इक्वल टू A बाय टू साइन ए जो यहां से प्रूफ हो गया R इक्वल टू A बाय टू साइन ए मतलब 2R इक्वल टू क्या आ गया A बाय साइन ए. सिमिलरली अगर यहां से परपेंडिकुलर प्रूफ करूंगा सिमिलरली अगर मैं यूज करूं तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा A बाय सॉरी B बाय टू साइन बी टू साइन बी और दिस इज इक्वल टू क्या होगा c बाय टू साइन c. मतलब इससे रिजल्ट आ रहा है दैट इज सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू a बाय टू साइन a इक्वल टू b बाय टू साइन b इक्वल टू c बाय टू साइन c. जो यहां से दिख रहा है दिस इज द सर्कम रेडियस 2r इज द सर्कम टू आर इज द डायमीटर r इज द सर्कम रेडियस. तो क्लियर है याद रखिएगा ये r का एक फॉर्मूला आता है कोई दिक्कत नहीं. ना एक और फॉर्म है आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर को एक और फॉर्मूला है. पहला तो फॉर्मूला आप यहां से देख ही रहो आर का एक और फॉर्मूला है ए बी सी बाय फोर डेल्टा. आपके दिमाग में आएगा ये फॉर्मूला कहां से आएगा ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. मतलब आर का एक फॉर्मूला ओवरऑल फॉर्मूला को मैं कंक्लूड भी करूंगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला आया है. पहले आर को मैंने ए बी सी बाय फोर डेल्टा तो इसको इसका प्रूफ भी मैं करता हूं. दो फॉर्मूला है पहला आर का तो ये फॉर्म है दूसरा आर का फॉर्मूला ये है. तो आर का ए बी सी बाय फोर डेल्टा की बात करूं तो आपको डेल्टा याद है डेल्टा क्या लिख सकता हूं अगर मैं एबीसी का फॉर्म लिख लू तो लिख सकता हूं वन बाई टू ए बी साइन सी या बीसी साइन ए ज्यादा नहीं ए बी साइन सी. तो देखो डेल्टा इक्वल टू वन बाई टू ए बी साइन सी. और आपको पता है कि अगर मैं लिखना चाहूं और हमें पता है कि अगर इस अप्रोच से अगर देखो तो ए बी बाय साइन बी तो अब यहां से देखो इस रिजल्ट से लिख दो. अब ना देखो सी बाय साइन सी इक्वल टू कितना होता है टू आर. तो साइन सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं टू आर बाय सी. ठीक है तो साइन सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू टू आर बाय सी. तो देखो क्या लिख सकते हो साइन सी इक्वल टू टू आर बाय सी सॉरी सी बाय टू आर साइन सी इक्वल टू सी बाय टू आर. तो अब साइन सी की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं तो वन बाय टू ए बी इंटू सी बाय टू आर. ठीक है सी बाय टू आर. तो देखो यहां से क्या आ गया तो आर इक्वल टू आ गया ए बी सी डिवाइड बाय फोर डेल्टा. डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो सर्कमफेरेंस का दो फॉर्मूला आ रहा है मैं भी बोल रहा हूँ दो फॉर्मूला है दैट इज आर. अगर फॉर्मूला को अगर एक बार कंक्लूड करूं मैं एक बार फिर फ्रेज में लिखूं तो दो फॉर्मूला आ रहा है. अगर फॉर्मूला की बात करें तो पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये यानी कि आर इक्वल टू ए बाय टू साइन ए इक्वल टू बी बाय टू साइन बी इक्वल टू सी बाय टू साइन सी. मैं इधर लिख देता हूं इसके बस से ए बाय टू साइन ए इक्वल टू बी बाय टू साइन बी इक्वल टू सी बाय टू साइन सी इक्वल टू आर और ए बी सी बाय फोर डेल्टा इक्वल टू आर. मतलब ये सर्कमरेडियस का ओवरऑल फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक है तो दिस इज सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल. तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए कुछ खास इसमें और है नहीं. ठीक है सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल.
सर्कुलर मेटेरियल के बारे में आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्कस किया गया था, बताया गया था उसमें एक दो बातें और भी बताई गई थी कि भाई अगर ट्रायंगल का नेचर अगर पता है, सर्कुलर मेटेरियल के बारे में पता होगा कि वो सर्कम सेंटर कहाँ पे है, और सर्कल के बारे में आइडिया लग जाता है कि वो है क्या, मतलब अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, रेडियस निकालने में आसानी होती है, हाइपोटेनियस का हाफ कर देंगे। पर अगर अगर ट्रायंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज हो तो उस केस में हमें इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो आपको पता है कि सर्कम सेंटर कहां लाया करता है ट्रायंगल के नेचर से, एक्यूट हो तो इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज हो तो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। और फॉर्मूला अगर सर्कम रेडियस के लिए चाहिए तो ये फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है, उसको आप याद रखिएगा, सर्कम रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है इन रेडियस, नेक्स्ट इन रेडियस। नेक्स्ट इन रेडियस की मैं बात करता हूं, इन रेडियस के नाम से आपको पता चला होगा कि दैट इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो सर्कल ट्रायंगल का इन सर्कल, इन सर्कल हमें पता है दैट इज टचेस ऑल थ्री साइड्स, दैट इज द दिस इज द इन सर्कल ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द ट्रायंगल और ये क्या हो गया, दिस इज द इन सर्कल। तो हमारा कहना है यहाँ ये ट्रायंगल एबीसी गिवन, दिस इज द इन रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो इन रेडियस होगा। तो एग्जैक्टली हमें इसी रेडियस की बात करनी है, तो उस रेडियस का रेडियस सबसे पहले हम जनरल रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो दिस इज इन सेंटर, इसको आई से दिया, इसको आर से रिप्रेजेंट किया, आर जो है दैट इज द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल। और आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है दैट इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। आपको इन सेंटर के बारे में आइडिया, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बताएगा तो उसमें इन सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा कि व्हाट इज इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन भी होगा कि इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बायसेक्टर, इन इंटरनल एंगल बायसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम इन सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई के बारे में इंफॉर्मेशन है, ट्रायंगल भी पता है, अब हमें इसी स्मॉल आर को कैलकुलेट करना है, जहां पे गिवन क्या क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी गिवन है, और हमें स्मॉल आर को इन टर्म्स ऑफ एबीसी एक्सप्रेस करना है। तो कुछ फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, आर इक्वल टू पहला फॉर्मूला है डेल्टा बाय एस, दूसरा फॉर्मूला है एस माइनस ए टेन ए बाय टू इक्वल टू एस माइनस बी टेन बी बाय टू इक्वल टू एस माइनस सी टेन सी बाय टू इक्वल टू, एक और फॉर्मूला है फोर आर, फोर कैपिटल आर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला हो गया जिसको आपको कभी कभी डायरेक्ट यूज करना होगा, तो इसलिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। आर इक्वल टू क्या बताया, पहला डेल्टा बाय एफ, सेकेंड क्या बताया एस माइनस ए टेन ए बाय टू, थर्ड क्या है एस माइनस बी टेन बी बाय टू, मतलब ये है ए है तो यहाँ ए बी है तो बी सी है तो सी, और ये एक एक्स्ट्रा हो गया फोर आर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू, कैपिटल आर रिप्रेजेंटिंग सर्कम रेडियस और स्मॉल आर रिप्रेजेंटिंग इन रेडियस। अब आते हैं इसके फॉर्मूला को डिराइव करने की बात, डेरिवेशन की बात भी करते हैं, तो इसका प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में आते हैं, फॉर्मूला तो हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला ये, इन रेडियस भी दिख रहा है आपको, इन सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया कि तीनों साइड्स को टच करता है, और ये आई के बारे में आपको पहले से पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बायसेक्टर्स, तो मैंने इसको क्या किया तीनों एंगुलर पॉइंट्स इसको ज्वाइन किया, तो ये तो पता ही है तीनों एंगुलर पॉइंट्स ज्वाइन किया, अब तीनों एंगुलर पॉइंट्स ज्वाइन किया, और ये भी पता है कि ये जो आप यहां से ज्वाइन करोगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही करता हूं कि पहला फॉर्मूला बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। पहला फॉर्मूला में हमने क्या रखा, डेल्टा डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस डेल्टा को लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला तीन पार्ट में ट्रायंगल ब्रेक कर देते हो ए आई बी प्लस बी आई सी प्लस ए आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस
ट्रायंगल बी आई सी प्लस ट्रायंगल ए आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी बी आई सी एंड ए आई सी, ए आई बी बी आई सी एंड ए आई सी। तो इस डेल्टा को अब ए आई बी का एरिया निकालते, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए आई बी, देखो ये आर है, इस ए आई बी का एरिया लिख सको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है ए बी, 1/2 इंटू ए बी इंटू आर प्लस बी आई सी लिख सकते, 1/2 इंटू बी सी इंटू आर बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू ए सी इंटू आर। तो देखो सबसे 1/2 आर कॉमन आ गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू आर बाय टू ए बी को क्या लिख सकता हूं, सी प्लस ए प्लस बी, और विच इज इक्वल टू आर बाय टू इंटू टू एस। तो यहां से ओवरऑल आर क्या आ गया, आर इक्वल टू आ गया डेल्टा बाय एस। तो पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो मतलब हमने कहा द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इन रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू डेल्टा बाय, डेल्टा रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एस रिप्रेजेंटिंग सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि एस इक्वल टू क्या बोल सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है इन रेडियस, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूला की बात करते हैं, ये वाला एस माइनस ए टेन ए बाय टू फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस बात को ख्याल रखिएगा, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला आपके लिए को हल्के में नहीं लेना है, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला का किसी समय कोई एक प्रॉब्लम उठाओ, कौन सा फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा वो पता नहीं, तो आपको वहां पर आपको चेक करना होगा, आपको स्ट्राइक वो देखते साथ स्ट्राइक कर जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। तो चलिए आते हैं सेकंड फॉर्म में, तो एस माइनस ए टेन ए बाय टू, तो इस वाले फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखना, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा इसको एस माइनस ए टेन ए बाय टू। देखो तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, तो देखता हूं पहले आप इसको देख लो, जगह कम है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए चलो। सबसे पहले इसमें करता हूं, सबसे पहले इन सबों का नाम देता हूं, इसको मैं देता हूं डी, इसे देता हूं ई, इसे देता हूं एफ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू लिख सकता हूं ट्वाइस एस, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एस। अब ए बी को मैं ब्रेक कर सकता हूं, ए बी को ए एफ प्लस एफ बी, देखो मैं कर रहा हूं एग्जैक्टली इस ट्राइंगल का यूज करना चाहता हूं, तो देखो गौर से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, तो इसको ए बाय टू बोल सकते हैं, तो इस ट्राइंगल में ए बाय टू एंगल का यूज करके मैं फॉर्मूला प्रूव करने की कोशिश करूं। तो ए बी को मैं लिख सकता हूं ए एफ प्लस एफ बी, बी सी को लिख सकता हूं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी को लिख सकता हूं ए प्लस ई सी, दैट इज इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू टू एस, दिस इज इक्वल टू टू एस। अब देखो ए एफ प्लस एफ बी, अब देखो एफ बी, एफ बी आपको पता है कि दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, ये इक्वल है और ये इक्वल है, ये तो पता है, मतलब क्या लिख सकता हूं कि एफ बी इक्वल टू हमें पता है बी डी, ठीक है, दूसरा पता है ई सी इक्वल टू डी सी, सिमिलरली ए इक्वल टू ए एफ, ठीक है ए एफ। तो यहां से ए एफ को ए एफ ऐसे रहना देता हूं, एफ बी को मैं रिप्लेस कर देता हूं बी डी से, एफ बी को रिप्लेस कर देता हूं बी डी से, तो अगर मैंने एफ बी हाँ तो एफ बी यहां देखना, तो यहां से लिख सकता हूं ए एफ प्लस, ऐसा करता हूं हाँ ठीक है, ए एफ प्लस एफ बी और बी डी से एफ बी पेयरिंग कर देता हूं, चलो ए एफ कौन कौन सा इक्वल है, ए एफ एंड ए को एक साथ कर देता हूं, इसको और इसको एक साथ कर देता हूं, ए एफ प्लस ए ठीक है प्लस एफ बी प्लस बी डी प्लस क्या आ गया डी सी प्लस ई सी इक्वल टू कितना आ गया टू एस। आई थिंक यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो ए एफ प्लस ए को मैं इससे सीधे लिख देता हूं, दिस इज ट्वाइस ए सब में कॉमन ले लेता हूं, दिस इज ट्वाइस एफ बी लिखो या बी डी लिखो,
ट्वाइस बी डी, तो टू कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू बी डी। अब प्लस क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस या गया डीसी या ईसी, तो ट्वाइस डीसी, तो ट्वाइस डीसी, ठीक है, ट्वाइस डीसी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, टू एस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, टू ए को ऐसे रखता हूं, बी डी प्लस डीसी, देखो बी डी प्लस डीसी ए के ऑपोजिट है, तो इसको ए लिख सकता हूं, प्लस ट्वाइस ए, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ट्वाइस ए, ए है तो ट्वाइस ए, इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस एस। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, ए इक्वल टू आ रहा है एस माइनस ए, मतलब हमारा जो ये वाला जो साइड लेंथ है, ए इक्वल टू कितना आ गया, एस माइनस ए, मतलब ए का जो साइड लेंथ, दिस साइड लेंथ इक्वल टू एस माइनस ए निकल गया, एस इज द सेमी पेरीमीटर, स्मॉल ए इज द साइड साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल ऑपोजिट टू एंगल ए, तो आपका आ गया ए इक्वल टू एस माइनस ए। अब हम यूज करते हैं नाउ ट्राइंगल, यूज करते हैं ए ई आई, ए ई आई। अब इसमें देखो सबसे पहले इसमें क्या पता है कि दिस एंगल इक्वल टू, हमें क्या पता है, दिस एंगल इक्वल टू ए बाय टू, ए ई आई यूज करते हैं, हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है कि डेल्टा इक्वल टू सॉरी स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाय टू, तो सिंपल सी बात है, तो टेन ए बाय टू का फॉर्म लगाते हैं, तो टेन ए बाय टू मतलब ये वाला, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, टेन ए बाय टू इक्वल टू आर डिवाइड बाय ए, आर डिवाइड बाई, आर को अगर हम लिखना चाहें, आर को मैं पहले आई ई से रिप्रेजेंट करता हूं, आई डिवाइड बाई ए, दैट इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय ए, और ए को हमें पता है ए हमें क्या, हमने क्या कैलकुलेट किया था, आर बाय एस माइनस ए, दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू कितना होगा, एस माइनस ए टेन ऑफ ए बाय टू, तो दिस इज स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाय टू। तो ये आ गया सेकेंड फॉर्मूला, यानी स्मॉल आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाय टू। सिमिलरली इसका यूज करेंगे, इस एंगल बी वाले को यूज करेंगे, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया, एस माइनस बी टेन बाई बाय टू। सिमिलरली इसका यूज किया गया, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या यूज प्रूफ हो जाएगा, एस माइनस सी टेन सी बाय टू। तो ये सेकेंड फॉर्मूला प्रूफ हो गया जो आपका इन रेडियस रिलेटेड था। तो दो तीन फॉर्मूला लिखा था, आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस, सेकेंड फॉर्मूला आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाय टू, सिमिलरली बी में, सिमिलरली सी में। थर्ड फॉर्मूला था फोर कैपिटल आर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू, ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। और थर्ड फॉर्मूला खुद से प्रूफ कर लेना, ठीक है, प्रूफ योर सेल्फ, यानी कि थर्ड फॉर्मूला जो थर्ड का जो प्रूफ है, मतलब ना अगर ये जो स्मॉल आर की बात करते हैं, मैं लिख देता हूं आप खुद से कर लीजिएगा, फोर आर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू, बहुत सारा मेथड है साइन सी बाय टू, ये प्रूफ योर सेल्फ, योर सेल्फ, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सारा मेथड है, हाफ एंगल फॉर्मूला से भी रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हो, ट्राई करके देखना बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना, प्रूफ जहां तक होता मैंने करवा दिया है, आपको ये याद रखना होगा, बेटर टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला, ओके। तो चलो इन रेडियस को इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, पढ़ा दो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सबको मैं डील करूंगा। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिख गिवन है, क्वेश्चन नंबर वन, वन है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री, पॉइंट डी इज ऑन बी सी, पॉइंट डी इज ऑन बी सी, सो दैट ट्वाइस बी डी
इक्वल टू सी डी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 15 डिग्री. एंगल डी ए बी इक्वल टू 15 डिग्री. देन फाइंड एंगल ए सी बी. आंसर इसका है आपका 75 डिग्री. क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसे. क्वेश्चन नंबर टू है इन अ ट्राइंगल एबीसी. इन अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंगल एल्टीट्यूड एडी एंगल बी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री, डीबी इक्वल टू 3 एंड सीडी इक्वल टू 2. देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. फिर से रिपीट करता हूं, इन ट्राइंगल एबीसी एल्टीट्यूड एडी है, बीएसी 45 है, ठीक है, डीबी इक्वल टू 3 है, सीडी इक्वल टू 2 है, डीबी इक्वल टू 3, सीडी इक्वल टू 2. देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. आंसर है इसका आंसर है 15 स्क्वायर यूनिट्स. आंसर है 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आता हूं. तो थर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसा गिवन है. तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर. स्मॉल आर कैपिटल आर का जनरल मीनिंग है स्मॉल आर रिप्रेजेंटिंग इन रेडियस, कैपिटल आर रिप्रेजेंटिंग सर्कम रेडियस, ठीक है. ये आ गया, तो इसको आप इतना कम से कम कर लीजिएगा, ये आप सॉल्व कर लेना, ये प्रूफ करने वाला है, ये रिजल्ट कैलकुलेट करना है. तो तीनों का आंसर हमने दे दिया है, दो तो प्रूफ ही करने वाला है इसमें, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है. नेक्स्ट लेक्चर जब भी हो, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर मेरी कोशिश रहेगी कि संडे इवनिंग तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को फिर से प्रोवाइड कर दूं. तो नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे जो मैं कंटिन्यू करूंगा, सबसे पहले मैं एक्स रेडियस के बारे में बात करूंगा, एक्स रेडियस एक्सक्राइब सर्किल की बात करूंगा. एक्सक्राइब सर्किल आप ऑलरेडी जान रखे हो, एक्स सेंटर मैंने डिस्कस किया था कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इन सेंटर भी जैसे थे उसे तो एक्स सेंटर भी डिस्कस किया था, जस्ट उसी से रिलेटेड एक्सक्राइब सर्कल है, उसी के रेडियस की मैं बात करूंगा. तीन रेडियस में आएगा R1, R2 एंड R3. सबसे पहले उसे डिस्कस करूंगा, फिर लेंथ ऑफ मीडियंस और फिर आगे की चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है. तो इतना आप कर लीजिएगा, आप लोग असाइनमेंट जो भी है आपके पास आप उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है. तो आप इसे कीजिए, ओके.